फरासु तेरी टिकटॉक बनाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं जी आपके? अगर आपके मिजाज ठीक नहीं हैं तो जल्दी से ठीक कर लें, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत बहुत ही जो है मज़े का होने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जी फसल लगी हुई है, वाटरमेलन तरबूज सर्दे की, और आपको जो है ना कंप्लीट जो है ना इसकी तुड़ाई का और इसकी लोडिंग का एक विज़िट करवाएँगे, और आपको तफसीलन समझाएंगे कि ये कितने टाइम में जो है ना इसकी फसल तैयार हो जाती है। यहाँ पे जो है ना ये वाटरमेलन तरबूज जो है काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, और तकरीबन यहाँ पे जो है ना ये 18 से 20 एकड़ ज़मीन में जो है ना दूर तक इसकी फसल है, और बहुत ज़्यादा एक बड़ी फसल जो है ना यहाँ पे काश्त की गई है तरबूज की। तो आज इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि इनको यहाँ से तोड़ा कैसे जाता है, और फिर तोड़ने के बाद कैसे इनको जो है ना मंडियों तक पहुँचाया जाता है। चेक करें जी, सामने जो है ना इनकी तुड़ाई हो रही है, तो आपको जाके इनकी तुड़ाई भी दिखाते हैं। ये जो है ना ऑर्गेनिक है, ये बिल्कुल जो है ना ऑर्गेनिक है, और कलर है ना कोई इनको मेडिसिन या किसी तरह की मिलावट नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल प्योर। और हमने ट्राई किया, इतने मीठे हैं कि आपको जो है ना क्या बताएं यार। ये चेक करें जी, अब ये छुपे पड़े हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत बड़े हैं। किसी जानवर ने खाया बाबा? यहाँ पे जानवर भी नुकसान कर देते हैं, लेकिन ये जो आप देखें बहुत बड़े जो है ना वाटरमेलन जो है ना लगे हुए हैं। तो ऐसे जो है ना इनकी ये फसल होती है जी, इनकी ऐसे बेलें होती हैं, ये आपके सामने लगी हुई हैं बेलें, और इन छोटी छोटी बेलों पे बहुत बड़े बड़े जो है ना अल्लाह पाक की कुदरत है कि पानी से भरे हुए जो है तरबूज इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। और आप इनकी बेलें चेक करें जी, छोटी छोटी बेलें हैं। चेक करो जी, चाची और ही तोड़ रहे हैं। ये ऐसे जो है ना इसको इसकी जो डंडी जो होती है ना उसे तोड़ के ऐसे रख लिया जाता है। और इनकी हिफाजत दूसरी फसलों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये जो है ना फसल केयर मांगती है। हाँ छोरा, खोले ने ये जो है ना अंकल जी जो है इनको तोड़ रहे हैं, और तोड़ कर जो है ना ऐसे साइड पे जो है ना रख रहे हैं। और वो सामने जो है ना आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है ना गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी के अंदर इनकी लोडिंग होगी, और फिर इनको यहाँ से मंडी में जो है ना सब्ज़ी मंडी के अंदर जो है ना पहुँचाया जाएगा। तो वहाँ पे जो है ना सुबह जो इनकी मंडी लगती है, और फिर वहाँ पे ये जो दुकानदार हैं वो इनको ख़रीद लेते हैं, और फिर इनको अपने सेल करते हैं दुकान पर। हाँ जवेद मियाँ, खो रहे हो बाशो, बखाओ ना वाम नू के चक्कर कर दे तुसी, के मंत्र कर दे हो? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा तो बात हो रही थी जी इस फसल की, इस फसल की बहुत ज़्यादा केयर होती है, क्योंकि इसके जो चोरी का भी ख़तरा होता है, बहुत से जो है ना तोड़ के लेके जाते हैं, उसके लिए अलग सी केयर है। उसके अलावा जो जानवरों की ये जो वाटरमेलन है, ना सिर्फ इंसान जो है ना खुश होकर खाते हैं,
बल्कि इनको जानवर भी जो होते हैं ना, जंगली जानवर, वो बड़े शौक से खाते हैं, तो इनका जो है ना फसलों का नुकसान कर देते हैं। इंसान तो एक को उठा के ले जाता है, आराम से खाता है, लेकिन जानवर जो है ना थोड़ा सा इधर से खाया, थोड़ा सा उधर से खाया, तो वो जो है ना इस फसल का ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये फसल बहुत केयर मांगती है, और ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि पानी से भरा हुआ एक फ्रूट है, जिसे मेरे ख्याल से हर बंदा जो है ना शौक से खा लेता है। क्यों अहमद? बिल्कुल। तो हर साइज़ का जो है ना यहाँ पे तरबूज आपको मिलेगा, वाटरमेलन, छोटे हैं कुछ, बड़े हैं। आपको दिखाते हैं कि कुछ यहाँ पे छोटे साइज़ के भी तोड़ दिए, क्योंकि ये इनका एक्सपीरियंस है। ये चेक करते हैं पहले इनको, ये चेक करें तो इन लोगों का जो है ना, ये चेक करें जी, बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस है। ये ऐसे ऐसे करके जो है ना इसको चेक किया जाता है, इसका साउंड बनता है, तो उस साउंड के ज़रिए जो है ना इसको पता चल जाता है कि ये कच्चा है, ये अंदर से मतलब तैयार हो चुका है, सुरख हो गया है। तो अगर फिर साइज़ नहीं इसका देखा जाता, क्योंकि ये अपनी एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, तो फिर कोशिश होती है कि अगर ये रेडी है अंदर से, साउंड इसका बता रहा है कि ये अंदर से रेडी है, तो इसको तोड़ लिया जाता है। ये बताओ भाई, ये है रेडी? मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने तोड़ा है तो ये रेडी होगा। ये चेक करें जी, बहुत बड़ी फसल लगी हुई है सामने जो है ना, इसको तोड़ा जा रहा है, और उसके अलावा भी आगे तक, दूर तक, ये जो है ना बहुत बड़ी फसल है। आज यहाँ से जो है ना इन्होंने कहा कि यहाँ से तोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेडी हो चुके हैं। तो जहाँ भी इनको पता लगे कि ये जो वाटरमेलन है, ये फ्रूट है, रेडी है, तो वहाँ पे जो है ना इसको कोशिश होती है पहले तोड़ के जो है ना गाड़ी में लोड किया जाए। अभी आगे चलते हैं। अहमद गड्डी की चाबी पाल ले। इनको यहाँ से जो है ना तोड़ के इन बैग के अंदर भर के जो है ना गाड़ी तक लेके जाते हैं। इस तरह जो है ना एक चक्कर में 5 से 6 जो है ना तरबूज चले जाते हैं। वैसे अगर हाथ में उठाएं तो वो गिरने का, टूटने का खतरा होता है। क्यों छोड़े हैं ये गाल लेना? हाँ अच्छा, इनका यूज मेडिकल फील्ड में भी है, तरबूज वगैरह काफ़ी अद्वियात में। अच्छा जी, ये जो है ना मेडिसिन का तो हमें पता नहीं। रखें जी, मोड़ के देख ले इत्थे। अभी आपको आगे भी दिखाएंगे कि गाड़ी में इनको कैसे इनकी लोडिंग होती है। अभी ये चेक करें जी, ये अभी छोटा सा है बेबी, तो ये इंशाल्लाह कुछ दिनों तक बड़ा हो जाएगा। यहाँ से तोड़ लिए गए हैं, बड़े जो छोटे हैं वो रह चुके हैं, रह गए हैं। ये है जी जवेद मियां, ठीक हो जवेद? सुनाओ जनाब, खोंदे पे हो? बिल्कुल जी, खोंदे पे हैं। कितना टाइम लग सी गड्डी लोड होने? तकरीबन घंटा डेढ़ आसन भाई लग जाए। अच्छा, घंटा डेढ़ लग जाता गड्डी लोड होने। तो ये जड़ा तरबूज है, ये बीज जब लाई है, उस तो बाद कितना टाइम लांदा है रेडी होने ते? तकरीबन 3-4 महीने तो लाई देना। अच्छा, 3 से 4 महीने अच्छे रेडी हो जाता जी? बिल्कुल। हम फसल तैयार है? बिल्कुल जी तैयार है। असी हमने जो है ना एक तरबूज ट्राई भी किया, तो बड़ा मीठा है जी, यहाँ का बकाया आपको दिखाते हैं। क्या हाल है चाचा? अल्लाह का करम। ठीक हो? हाँ जी, चाचे दे भी बन गए बादशो। हाँ, तुहाडे भी बन गई है। ये अच्छी जवेद मी, आवाज नहीं तो नहीं आती? बिल्कुल जी, वजन चेक कर लो। कोई गल नहीं, कोई गल, मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, मेहनत में बरकत। ये जी
यहाँ से तुड़ाई हो रही है और यहाँ पे जो है ना इनको बैग्स के अंदर भर के गाड़ी तक जो है ना लेके जा रहे हैं। ये चीज इन्हें को पूछते हैं भाई जान, वजन तो नहीं है? बड़ा वजन है। शाम का टाइम है जी, सूरज का व्यू चेक करें, बहुत प्यारा है। बारिश बताई हुई, देखते हैं अभी आगे बड़े बड़े जो साइज के आपको दिखाते हैं। कितना का वजन होना चाचा दा? 8 kg का है जी ये। अच्छा साइज है ये तो। ऐसे जो है ना इनको तोड़ के रख दिया जाता है इन लाइनों के अंदर, तो खुद ही वो जो है ना उठा के ले जाते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इनकी डंडी होती है एक, उसे कैसे अलग किया जाता है। चाचे जी सामने करके एक तोड़ा, आवाम ने भी पता लग गया भी है कि मैं जुड़ा होता। चेक करो जी, ये डंडी है जी इसकी, और इसको यहाँ हाथ से ऐसे अलग कर दिया जाता है। लो जी रेडी है जी तरबूज। ऐसे खींच के जो है ना, कौन ही चेक करने दी लोड, सारे पक्के हैं। अच्छा अच्छा ये लगा हुआ है जी बड़ा सारा। यह चेक करो जी, तकरीबन 10 kg का होगा। तो आप देख रहे हैं जी मेरा तो ये फ्रूट जो है ना वाटरमेलन तरबूज बहुत फेवरेट है और बड़े शौक से जो है ना खाया जाता है इसको, क्योंकि यह आपके जो है ना पानी की कमी भी पूरी करता है और वैसे भी जो है ना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का भी ये जो है ना, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों का फेवरेट भी होगा ये भी। और इसके अलावा जो है ना, मैं तो इस जो ये फसल है तरबूज की, यहाँ पे आके जो है ना क्यों अहमद बहुत इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनकी कैसे तुड़ाई हो रही है और कैसे लोडिंग हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इसको देख के। अच्छा ये बड़े नाजुक भी होते हैं वैसे, थोड़ी सी चोट लगने पे ये जो है ना जख्मी भी हो जाते हैं। अभी ये एक जो है ना यहाँ पे खराब हो चुका है, तो काफी नुकसान भी होता है। कुछ उधर भी टूटे पड़े हैं और इधर भी और उधर भी, हर तरफ तरबूज ही तरबूज है। अच्छा ये जो फसल है ना, पहले हम देखते थे गुजरते हुए रोड के साथ कहीं पे अगर ये फसल लगी हो तो देखते थे, आज फर्स्ट टाइम जो है ना मैं खुद इस फसल के अंदर आया हूँ। और मैंने कहा कि क्यों ना जो है ना इसकी वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि जब आपका कोई फ्रूट फेवरेट फ्रूट हो, जैसे यहाँ पे ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज भी तकरीबन हर इंसान का जो है ना एक फेवरेट फ्रूट है। तो जब भी उनके बागात में भी जाएं तो इंजॉय करते हैं, उसको देखते हैं खाते हैं। तो ऐसे ही जो है ना फर्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ और मैंने खुद जो है ना फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इनकी कैसे जो है ना इनकी कटिंग जो होती है, इनको कैसे तोड़ा जाता है और फिर जो है ना कैसे इनको गाड़ियों तक पहुँचाया जाता है। तो काम है तो यह भी मुश्किल ही, क्योंकि इतना वेट जो उठा के अपने शोल्डर पे दूर तक लेके जाना पड़ता है। तो लेकिन इनका डेली का काम है, इनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन हमें करना पड़ जाए तो हमें तो वैसे ही सांस चढ़ गई है। अच्छा ये जो साइज़ है ना, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ जो पाकिस्तान में है ना, इस ये इतना साइज़ का एक जो है ना तकरीबन 200 से 300 का इस वक्त जो है ना सेल हो रहा है। और मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं
जैसे लाहौर इस्लामाबाद, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा, थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे इस साइज़ का एक जो दाना है ये 200 से 300 का जो है ना मार्केट से आपको मिलता है। नहीं वो जो है ना चेक करके देते हैं, वैसे उसको एक टक्की लगा के ना देते हैं कि अगर अंदर से वो रेड निकलता है, जिसको कहते हैं पका हुआ। ला 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 चाचे को ट्राई कर लेने। अभी आपको दिखा दें गाड़ी के अंदर कितने कितने एक मतलब हो गए हैं। उसने कहा था कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं यहाँ पे हमें घूमते, तो उसके अंदर देखते हैं कितने एक तोड़े हैं, तकरीबन 40 से 45 मिनट। हाय हाय हाय, अभी आपको गाड़ी में दिखाते हैं। ये जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, इस पे जो है ना फसलों को पानी दिया जाता है चला के, और इसमें नहाया भी जाता है गर्मियों के अंदर। ये पानी है और ये एक जो है ना लाइन आ रही है पानी की, और ये नहर से आ रही है। अभी आधी भी नहीं, अभी आधी गाड़ी जो है ना हो चुकी है। आधी गाड़ी भी नहीं हुई अभी, तो कमी हुई है ये सरगोधा की मंडी में जाएगी जी, क्योंकि सरगोधा से जो है ना इस फसल को तोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ी गाड़ियाँ जो लाहौर इस्लामाबाद और उससे आगे तक भी जाती हैं, पेशावर, ये वो, तो इनका साइज़ चेक करवाते हैं आपको। ये साइज़ हैं जी इनके, देखने में तो मिक्स है जी, कोई छोटा है कोई बड़ा है। चेक कर दें, इन खोल के चेक कराओ ना कियो जी। ये छोटा सा एक चेक करते हैं जी अभी आपके सामने, चेक कर। ये आदमी रह गया यार तू कच्चे होसी कच्चे होसी लाले लाले ये चेक करें जी, एक मिनट, एक ये देखें जी, माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना तैयार है और पका हुआ है, और सारे ऐसे ही जो है ना फसल ये रेडी है। ये छोटे साइज का तोड़ा है फिर भी जो है पका हुआ है। एक अच्छा जी, एक ये तोड़ा है और ये सही निकला है, रेडी निकला है, तो आज जो है ना इसको पहले हम ट्राई करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो नहीं जी ठीक है, गुजारा हो वैसे, सोना गुजारा हो वैसे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं चेक कर, मीठा है जी, हनी की तरह, शहद की तरह मीठा, पर एक कमी है भाई, बस ठंडा नहीं है। जो देसी माहौल होता है ना यहाँ पे, उसको कोई कटिंग नहीं किया जाता, कटिंग किया जाता है ऐसे हाथ के साथ जैसे कुहाड़ी मारते हैं, और तोड़ के जो है ना हाथ के साथ ही खा लिया जाता है, ऐसे उठाया जाता है इसको ऐसे। ये चेक करें जी, रेड है बिल्कुल, रेडी है, और फिर इसको मीठा पड़ा ऐसे खाया जाता है हाथ के साथ। अहमद है ना मीठा शहद की तरह, फल खांडे, हाँ फल खांडे। पहले जो है ना इस तरबूज को खाया जाता है, वाटरमेलन को, फिर इसका जो ये जूस बन जाता है ना ऐसे, इस जूस को पी लिया जाता है। इंजे नहीं जवेद, वेख ना क्योंकि हाथ के साथ जब खाना है तो इसका जो है ना ऐसे जूस ज़्यादा बनता है। यहाँ पे जट लोग जो होते हैं ना यहाँ पे रहने वाले, ऐसे ही खाते हैं, कभी नहीं उन्होंने जो छुरी उठाई या कटिंग की, हाथ से खाया और एंड पे जो है ना इसका पानी जो होता है जूस उसको पिया। मैंने अपना खाली कर दिया,
तो अभी हम हाथ धो लेंगे और ऐसे खाने का भी अपना ही मज़ा है। ये नीचे पानी है जी, इस पानी के अंदर हम अपने हाथ धोएंगे। और ऐसे जो है ना ओके की रिपोर्ट करनी है। अच्छा जी ये देखें जी, चेक करें माशाल्लाह, अच्छा दाना है। तो इसको मैं खुद तोड़ने की ट्राई करूँगा कि हम इसको कैसे तोड़ते हैं। तो इसको जो है ना ऐसे पकड़ते हैं, आई थिंक हमसे गलत टूटा है, लेकिन टूट गया है जी ये दाना, हम तोड़ लिया। और इसको हम तोड़ के जो है ना साइड पे रखेंगे यहाँ पे, माशाल्लाह चेक करेंगे, अल्लाह पाक की शान है जी। ये चीज़ अभी जो है ना आधी गाड़ी हो चुकी है, और ये सारे जो है ना ये चेक करें जी इसका साइज़, ये सारे यहाँ पे तोड़ के रख लिए गए हैं। अभी इनको उठा लिया जाएगा यहाँ से उन बैग के अंदर भर के। तो तरबूज ही तरबूज है जी, हो गई वीडियो। ये चेक करें जी, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और ये भाई साहब खा रहे हैं हमारी तरह। इस तरह भी बहुत ज्यादा तरबूज हैं, ओ आगे तक तरबूज ही तरबूज हैं। ये देखें टोटल तरबूज आपको दूर तक नज़र आएगा। और ये इन बेलों के अंदर ना अभी तो और होने हैं इनके, ये फूल जो लगे हुए हैं ना आप देख सकते हैं, तो इन फूलों पे और तरबूज होगा। ये येलो फूल है ना, तो अभी तो ये तकरीबन एक माह तो तरबूज जो है ना होते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा तरबूज मुझे नज़र आया है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, ये वाला बिग वाटरमेलन ऐसे लगे हुए हैं जी, ये इनकी डंडी सी है। एक और आगे लगा हुआ है बिग, ये देखें कितना बड़ा है माशाल्लाह, तकरीबन 14 से 15 केजी होगा। तो ये पूरे जो है ना दूर दूर तक ये बेबी तरबूज ऐसे होते हैं, अल्लाह पाक की कुदरत है, इतना सा होता है और कितना बड़ा हो जाता है, और टोटल अंदर पानी ही पानी होता है और मीठा पानी। ये मेरे अल्लाह पाक की शान है जी, उसकी कुदरत है कि हमारे लिए उसने हमारे टेस्ट के लिए कितने फ्रूट और कितने जो है ना मेवे बनाए हैं खाने के लिए, और इस मिट्टी से जो है ना पैदा करता है और फिर उसके अंदर मिठास डालता है। ये काम मेरे अल्लाह के ही है, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको तरबूज के अलावा मेरे पीछे एक बाग नज़र आ रहा होगा, वो दूर वो ऑरेंज के बाग हैं, और ऑरेंज के बाग के साथ जो है ना यहाँ पे अमरूद के बाग हैं, उसके अलावा यहाँ पे नाशपाती के बाग हैं, और यहाँ पे कुछ अभी जो है ना लगाए गए हैं उसके आलू बुखारा जो होता है उसके बागात भी लगाए हैं। देखो उनका क्या रिस्पांस होता है, क्योंकि इस इलाके में आलू बुखारा इतना होता नहीं है, वो ठंडे इलाकों से पहाड़ी इलाकों से आता है, लेकिन यहाँ पे एक बाग लगाया गया है, देखते हैं वो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, उसकी फसल अच्छी होती है कि नहीं। इसके अलावा मेरे पीछे जो है ना आपको नज़र आएगी मकई, यहाँ पर मकई लगी हुई है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि भिंडी भी तोड़ी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भिंडी तोरी जो मेरी बिल्कुल भी मैं लाइक नहीं करता। ये सारी भिंडी की फसल है जी, वो तुड़ाई हो रही है भिंडी की यहाँ पे, लेडीज़ भी तोड़ती हैं, तो मैं वहाँ पे कैमरा ले जा नहीं सकता, हमें ना हो कि मैंने चित्र पहन, तो हम इतने जनाब भिंडी जो है ना दिखाएंगे कि यहाँ पे भिंडी कहाँ पे लगी हुई है।
ये चेक करें जी, छोटी छोटी भिंडी लगी हुई है अभी तो, अंदर काफ़ी बड़ी भी है ये, जैसे यहाँ पे लगी हुई है तो इसकी तुड़ाई हो रही है। ये लगी हुई है असल तो, ये चेक करें जी, ये चीज़ ये है जी भिंडी तोरी, और उसकी फसल जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगी हुई है, चेक करें। टेंशन ना लो जी। तो आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी जो है वो तकरीबन लोड हो चुकी है, और हमने आपको दिखाया कि इस तरबूज की वाटरमेलन की कैसे इसकी जो कटिंग की जाती है, और कैसे जो है ना इसकी फसल रेडी होती है, कितना टाइम लगाती है, और इसके अलावा कैसे इनको गाड़ी के अंदर लोड करके आगे मंडियों में भेजा जाता है। सो, अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो जो है ना कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है, और वीडियो को जो है ना ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि लाइक और कमेंट ही होता है, आप लोग जो है ना, आप लोगों की ये मोहब्बत होती है, आप लोगों की ये सपोर्ट होती है जो हमें मिलती है, तो अपना प्यार देते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना लाजमी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे गंदम की कटिंग हो चुकी है, और उसके अलावा ये देखें जी, ऐसे गंदम को कटिंग करके बांध के रखा जाता है, और फिर एक मशीन के ज़रिए इनको दाने निकाल लिए जाते हैं। हमारा व्लॉग वैसे ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको आने वाली वीडियो के जो है ना ट्रेलर दिखा रहे हैं, तो आने वाली हमारी वीडियो जो है ना इस फसल पे होगी। ये गंदम के जो सिट्टे आप देख सकते हैं जी, इन सिट्टों में दाने होते हैं जिनका आटा बनता है, तो इंशाल्लाह कल का जो व्लॉग होगा वो इस गंदम पे होगा, और यहाँ पे मशीन लगेगी और दाने आपकी आँखों के सामने निकलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।